हेलो दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज ही गुड मॉर्निंग जो है वो हो रही है गांधी सागर में, देख सकते हैं मेरे पीछे। तो आज का डेली व्लॉग शुरू हो रहा है यहीं से, गांधी सागर से। तो आज निकल रहे हैं हम मंदसौर, और मंदसौर से जाना है सूरत। तो पहुंचते हैं मंदसौर, रावतबाटा से काफ़ी ख़तरनाक ख़राब रोड है, बहुत ज़्यादा खड्डे हैं। देखना वीडियो में टाइम लैप्स शूट किया है, तो देखो उसको। उसके बाद में ये है नज़ारे यहाँ पे गांधी सागर डैम के, ये बहुत ही शानदार पानी आज छोड़ा है थोड़ा थोड़ा, वहाँ से जनरेशन चालू हुआ है। एक बार ये हमारे राहुल भाई लगे हुए हैं फ़ोटो वोटो खींचने में, फोटोग्राफर है वो, शानदार ही है। तो बढ़ते हैं आगे, गाड़ी कंडीशन देख सकते हो आप कैसी हो रही है, एकदम ख़तरनाक देसी वाली हो रही है, गाँव वाली गाड़ी। तो बढ़ते हैं इधर से सीधा मंदसौर की तरफ। अभी भी मंदसौर यहाँ से 150 किलोमीटर बाकी है, तो चलते हैं धीरे धीरे मंदसौर की तरफ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। वीडियो को पूरी देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी देखना ठीक है ना, वीडियो आधी मत देखा करो, बीच बीच में काट काट के पूरी देखा करो। चलो अभी बढ़ते हैं आगे मंदसौर की तरफ। ये है रावतबाटा की नदी, इधर से रावतबाटा आता है आगे, हमेशा देखते हो वीडियो मेरी में। रामपुरा पठार से जस्ट आगे कमल का बहुत शानदार सा एक तालाब, इसमें कमल कितने प्यारे प्यारे उगे हुए हैं। तो गाड़ी अपन ने वहाँ खड़ी की है, और ये कमल देख सकते हो आप, इतने प्यारे से कमल। कोशिश करता हूँ मैं लाने की।
शुरू हो चुकी है। आने का काम क्या करता है? साथ में राहुल भाई और अभी हम निकले हैं जस्ट। अब गाड़ी छोड़ दी हमने, हमारे पास गाड़ी नहीं रहेगी 5-7 दिन, 5-6 दिन हम ऐसे ही घूमेंगे। हेलो, दूसरा आगे ठीक है। तो फिलहाल हम बस में बैठे हैं, कुछड़ो से जा रहे हैं मंदसौर। ठीक है, पहुंच गए हैं हम मंदसौर। और ये गाय आ रही है, पहले गाय को जाने दो। गाय बहुत ज़ोर से मारती है, पता है ना। तो मंदसौर की गलियां एक्सप्लोर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर जाने की। तो पैदल पैदल आज ढूंढ रहे हैं, यहाँ से करीबन 17-18 मिनट का रास्ता बता रहा है। तो चल रहे हैं हम धीरे धीरे पशुपतिनाथ मंदिर की तरफ। ठीक है, आप भी बने रहिए वीडियो में, आज आपको भी दर्शन कराएंगे। क्योंकि मंदसौर आए और पशुपतिनाथ जी के दर्शन नहीं किए तो क्या ही मंदसौर आए। हेलो गाइस, तो भारत का एकमात्र केवल एक अकेला मंदिर है पशुपतिनाथ जी का, यहाँ पे मंदसौर में। तो दर्शन करते हैं, अष्टमुखी माँ का शिवलिंग है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप भी दर्शन करिए हमारे साथ में, बने रहिए वीडियो में। तो बढ़ते हैं पशुपतिनाथ मंदिर की तरफ आगे। तो सामने आप देख रहे हैं पशुपतिनाथ महादेव मंदिर। तो ये है यहाँ का नज़ारा, बहुत ही शानदार इवनिंग का व्यू। तो फिलहाल बढ़ते हैं मंदिर में अंदर दर्शन करने के लिए, चलते हैं यहाँ से सीधा अंदर। तो अभी हम पहुँच गए हैं पशुपतिनाथ महादेव मंदिर। तो हम तो यहाँ के दर्शन लाभ लेते रहते हैं, राहुल जी ने प्रसाद ले लिए, बहुत ही शानदार काम है राहुल जी का। और पूरे एकदम तरीके से पूजा की जाएगी, एकदम बहुत ज़ोरदार तरीके से। ये है मेन एंट्री, ये अभी नया बनाया जस्ट। ठीक है, ये प्रांगण आ गया पूरा, बहुत ही शानदार। इधर से आ जाओ, मैं लेके चलूँगा। तो मित्रों, मेरे पीछे देख सकते हैं आप, जय पशुपतिनाथ, बहुत ही शानदार तरीके से बनाया हुआ है यहाँ पे, एक तरह से सेल्फी पॉइंट आप बोल सकते हैं इसको। तो ये देखने के बाद हम बढ़ते हैं हम सीधा मंदिर में अंदर, एक आधा फोटो ले लेते हैं यहाँ पे, बढ़िया सा। आप भी एंजॉय कीजिए यहाँ के नज़ारों को। मित्रों, अभी हम हैं पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में और एकदम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। और यहाँ के जो नज़ारे हैं उसको देख के आप वाकई में रोमांचित होगा। फिलहाल जो टाइम है वो आरती का टाइम है, तो एंजॉय कीजिए नज़ारों को। Yeah.
अभी मेरे पीछे जो घंटा है, जो मंदिर में हम घंटी बजाते हैं वो घंटी होती है, और यहाँ पे जो रखा है वो है महाघंटा। तो ये महाघंटा काफ़ी ज़्यादा वजनी और बहुत ही विस्मरणीय वस्तु तो आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ। देवादि देव महाघंटा, श्री देवादि देव महाघंटा यहाँ का, ये भी काफ़ी फेमस है मंदसौर में। तो दर्शन के लिए जाओ। तो ये है इवनिंग व्यू पशुपतिनाथ जी मंदिर का, बहुत ही शानदार व्यू एकदम है, बहुत बढ़िया। तो इवनिंग का व्यू आपसे शेयर कर रहा हूँ मित्रों। ये है व्यू सामने, बहुत ही प्यारा, एकदम सूरज अपनी लालिमा छोड़ते हुए और हल्का हल्का अंधेरा, और ये शिवना नदी, बहुत ही शानदार नज़ारों का आनंद लीजिए मित्रों, बहुत ही शानदार नज़ारा है। सामने है ये इवनिंग का व्यू, बहुत ही प्यारा, शानदार सा सनसेट हो चुका है, एकदम रेड रेड दिख रहा है।